19 मार्च को सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद से ही सलमान के घर के बाहर पुलिस की एक पूरी टुकड़ी देखी गई। सोर्सेस की माने तो इस मामले को लेकर सलमान के घर वाले काफी चिंतित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और उनकी टीम को अगले कुछ दिनों के लिए ऑन ग्राउंड इवेंट से बचने के लिए कहा गया है। पुलिस प्रशासन ने सलमान की जान के खतरे को देखते हुए उनके शेड्यूल में बदलाव की सिफारिश की है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेदत मराठे वीर दौड़े साथ इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में ये खबर सामने आई है कि इस फिल्म के शूटिंग सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शूटिंग के दौरान 19 साल का एक लड़का किले की किलाबंदी से 100 फीट नीचे गिर गया। सूत्रों की माने तो यह युवा गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस लड़के का नाम नागेश खोबरे है। टीवी सीरियल पिया अलबेला के एक्टर रोहन राय सीरियल पर अपनी को एक्टर शीन दास से शादी करने वाले हैं। रोहन रॉय लेट एक्टर दीक्षा सालियान के एक्स बॉयफ्रेंड है। दीक्षा की मौत के करीब 2 साल बाद रोहन ने ये फैसला लिया है। रोहन और शीन कश्मीर में शादी करेंगे। RRR के बाद रामचरण अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट RC15 पर काम कर रहे हैं। ऑस्कर जीतकर लौटने के बाद अब रामचरण ने डायरेक्टर शंकर की फिल्म RC15 की शूटिंग शुरू कर दी है। रविवार को रामचरण ने सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में सुपरस्टार प्रभु देवा फिल्म RC15 के सेट पर रामचरण का वेलकम करते हुए नाटू नाटू गाने पर डांस कर रहे हैं।